ये जो आज हम बात करने वाले हैं ना, ये लड़कों का सबसे फेवरेट पोजीशन है। लड़कों को, सभी लड़कों को ये पोजीशन ट्राई करना अच्छा लगता है। जो कर चुका है वो इसका आनंद ले चुका है और वो इसको बार बार करना चाहता है, और जो नहीं किया है वो उसका इंटरेस्ट रहता है कि हाँ, मैं एक बार इस पोजीशन को जरूर ट्राई करूँ। तो इस पोजीशन का नाम है डोगी पोजीशन, बैक पोजीशन, या कहो पीछे से करना। ठीक है, तो ये पोजीशन जो है लड़कों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और क्यों फेवरेट है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, दो तीन कारण है इसमें जिसके कारण लड़कों को ये पोजीशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इसमें सबसे पहला कारण है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और मेन कारण है, जो इंसर्ट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अंदर तक होता है, डीप पेनिट्रेशन होता है, जिससे एक लड़के को बहुत ही अच्छा फील होता है। उसका साइज़ कुछ भी हो, ठीक है, चाहे छोटा हो, चाहे मीडियम हो, चाहे बहुत बड़ा हो, उसका जो साइज़ है वो पूरा अंदर तक जाता है, पूरा अच्छे से उसको फील होता है। और वो उसको इस टाइप का फील होता है जैसे कि हाँ, मैं एक लड़की को पूरा कंट्रोल करके उसके अंदर, पूरे बहुत ही अंदर तक इंसर्ट कर रहा हूँ, इस टाइप का उसका फील होता है। ठीक है, ये सबसे सबसे पहला कारण है। दूसरा चीज़ है, जितना कि आप वेजाइना में इस चीज़ को करते हो ना, तो वहाँ पे जो जो टाइटनेस महसूस नहीं होती है उसको, वो टाइटनेस उसको पीछे से जब वो करता है, एनल पे करता है, तब उसको वो टाइटनेस मिलती है। तो ये दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे जब वो रफ करता है, घर्षण करता है, तो वो चीज़ उसको फील होती है, वो टाइटनेस उसको मिलता है, जिसके कारण ये पीछे से करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। तीसरा चीज़ है, ये जो सारा कंट्रोल जो होता है ना, वो उसके अंडर में होता है, तो इसलिए भी उसको बहुत अच्छा लगता है कि मैं किस तरीके से करूँ, कैसे छूँ, कैसे टच करूँ, या फिर कुछ टॉर्चर करना है तो उस टाइप से टॉर्चर कर सकता है। तो सारा कंट्रोल उसके अंडर में होता है, तो इसलिए भी डॉगी पोजीशन एक लड़के को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है।